Hi guys, very very good afternoon and welcome to the teacher's page of Adda247. I'm Professor Aishwarya Puri and we are doing the most important topics for all our TGT, PGT exams. अभी मैं खाली comments देख रही थी, कुछ लोग कह रहे थे अरे मैम आगे पीछे हो गए, ज़्यादा ही confusion हो रही है और ये सब वो सब. I understand your concern. मेरा जो initial intention था इन classes के साथ वो यही था कि चीज़ें series में चले, but आप लोगों को ध्यान होगा इन्हीं live classes में इतनी बम्पर लेवल पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम गार्ल्सवर्दी कराओ, मिल्टन करवाओ, एटलीस्ट हमारा टीजीटी वाला जो यूपी का पोर्शन है वो सॉर्ट हो जाएगा. तो बीच में फिर मैंने एक दो क्लासेस जो है मिनी वो वन क्लास मैंने गार्ल्सवर्दी और जॉन मिल्टन की ली, ताकि जो लोग यूपी टीजीटी के लिए पर्टिकुलरली एम कर रहे थे उनको फ़ायदा हो जाए. एंड क्योंकि उस पर इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड एज एन एजुकेटर आई फील लाइक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिर्फ एक या दो इंसानों के हिसाब से ना देख के सब लोग जो डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से क्लासेस चलें. मेरी भी इंटेंशन इनिशियली सीरीज ही चलाने की थी, बट अगर किसी लेवल पे अगर एक साथ मल्टीपल वॉइसेस कम and they all want on a popular request some video has to be played, then I try to include that also. That is the only purpose. And once I started doing that, so I thought कि ठीक है चलो अब हमने ये topics कर लिए, तो कुछ और जो हमारे important writers हैं जो अभी one word class वाली series हैं तो इसमें मैं series को रखती हूँ. So while I was doing it I still wanted to continue with the series, but then बीच में a lot of people started asking for poetic explanations again. तो series इसलिए थोड़ी आगे पीछे हो रही है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए. आप लोग अपने नोट्स अलग अलग रखो ना, आप लोग अपनी अलग बुक बना लो या 4-5-10 पेजेस आप अलग से रख लो, जिसमें आप सिर्फ विक्टोरियन कवर कर रहे हो, एक में आप सिर्फ रोमांटिक कवर कर रहे हो. ठीक है, तो ऐसे आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. ठीक है, एंड सो डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ जी, ओके. यशस्विनी, ओके. या सो टीजीटी क्लासेस का भी यही है कि टीजीटी क्लास जो पुरानी वाली है लाइव अभी नहीं चल रही है, क्योंकि पुरानी ही हमारी 2 बैचेस में खत्म हो चुका है टीजीटी का सिलेबस. तो आई थिंक आपने अभी उसको लिया है तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी. बट आई विल टेल यू, यू कैन अटेंड माय 12 o'clock या फिर 1 o'clock वाली क्लास. मैं आपको उसमें तरीका बता दूंगी कि आप कैसे मेरे हैंडआउट्स को अवेल कर सकते हैं. ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है. क्लास शुरू करते हैं आज की. हम आज जो है पी.बी. शैली की जो ये पोएम है टू अ स्काईलार्क, इसको पढ़ने वाले हैं. टू अ स्काईलार्क के बारे में क्लास में मैं अपने फर्स्ट बैच में तो ऑलरेडी पढ़ा ही चुकी हूँ. फर्स्ट बैच में हमारा ऑलरेडी ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है. सेकंड वाले बैच में जो है अभी हमने इस टॉपिक को कवर करना है. अभी हम रोमांटिक पे पहुँच रहे हैं. सबसे पहले तो वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग मेरे सभी चैम्प्स को. मैं आप सबको बता दूं कि आज यहाँ पे बहुत बढ़िया सुंदर खूबसूरत बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है. तो आज शाम को अगर मौका लगे तो मेरी तरफ से आप लोग एक बढ़िया चाय, कॉफ़ी, कुछ पकौड़े, समोसे, गुलाब जामुन, जलेबी, कुछ जो भी आपको ऑप्शन में हो, जो भी पास हो वो पी लेना. ठीक है, और सोच लेना हमारी पार्टी हो गई है. ठीक है, बैचमेट्स की हमारी पार्टी हो गई है. और कल फिर मेरे को बताना कि आप लोगों ने क्या किया था. ठीक है, तो बारिश यहाँ है, कोशिश करूंगी थोड़ी आप तक भी भिजवा दूं. नहीं भी बारिश आ पाई तो आप माहौल तो एंजॉय कर ही सकते हो ना, माहौल बनाना तो आपके हाथ में ही है, राइट. तो आज कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा सा खाना पीना ज़रूर. ठीक है, क्योंकि तैयारी तो चलो चलती है पढ़ाई की, लेकिन बीच में अपने दिल को खुश रखने वाली चीज़ें भी करते रहना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अच्छा व्रत है आज, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना कुछ. ठीक है, और मुझे कल की क्लास में फिर बताना कि आप लोगों ने क्या खाया पिया था. ठीक है, ज़रूर लेट मी नो. ओके, सो या पीपल प्रेफर जलेबीज एंड कचौरी, गुलाब जामुन एंड ऑल ऑफ दैट. सो डेफिनेटली. ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास को. टू अ स्काईलार्क. सबसे पहले तो एक वो कंफ्यूजन थी, बहुत टाइम से हमारी क्लास में कंफ्यूजन ये चल रही थी. आइए देख लेते हैं. टू अ स्काईलार्क, ये हमारी शैली की पोयम है. ठीक है ना, ये हमारे शैली की पोयम है. टू द स्काईलार्क, ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है. ठीक है, चलो ये वाली जो हमारी पोयम है गाइस, इसको शैली ने लिखा है 21 स्टैंजाज में. हाँ जी, इसको शैली ने लिखा है 21 स्टैंजाज में ऑफ 5 लाइन्स ईच. तो टोटल इसके अंदर जो हो गई है हमारी 105 लाइन्स. 21 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच, इसके अंदर हमारी टोटल हो गई हैं 105 लाइन्स. ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी, इसकी जो राइम स्कीम हमारे पास है वो है ए बी बी, राइम स्कीम है ए बी बी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट की 4 लाइंस हैं वो ट्रोकेक टेट्रामीटर में है, ट्रोकेक टेट्रामीटर। ट्रोकेक टेट्रामीटर क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सॉरी, हाँ सॉरी, माय बैड, ट्राई में है टेट्रा में है, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, ट्राई में है, मुझे टेट्रामीटर याद आ रहा था, सॉरी। लास्ट वाला जो है हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो हमारा अलेक्जेंड्रीन में है, ठीक है, पक्का ट्राई में, मुझे टेट्रा याद आ रहा है समहाउ। हाँ जी बताइए, एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो। ट्राइमीटर है, ठीक है, माय बैड, ठीक है, सॉरी, ट्राइमीटर, मुझे टेट्रामीटर याद आ रहा था। अच्छा, ट्रोकेक का मतलब क्या होता है बताओ फिर फटाफट। नेहा, फर्स्ट स्ट्रेस देन अनस्ट्रेस्ड इज ट्रोकेक, एवरीबडी अग्रीज विद हर। ट्राइमीटर है, ठीक है, और ट्रोकेक क्या है, फर्स्ट स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, गुड। पहले तो मैं अपनी गलती को जरा सुधारूं, माय बैड, सॉरी। हाँ जी, ट्रोकेक, ट्राई मीटर, और फिर आता है अलेक्जेंड्रीन। अलेक्जेंड्रीन क्या है, आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है, अलेक्जेंड्रीन होता है आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है गाइज, ये रहेगा हमारा। अच्छा, ये मेरा सेकंड जो एनवीएस वाला बैच चल रहा है उसमें बहुत कल एक डिबेट चला था कि टर्सेट और टर्जा रीमा में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग बताना चाहेंगे मुझे क्लास में? टर्सेट और टर्जा रीमा के बीच का डिफरेंस बताएंगे मुझे क्या है, बिकॉज ये डाउट काफ़ी देर से क्लास में चल रहा था, फिर मैंने एवरीबडी वाज गिविंग डिफरेंट आंसर्स, तो ऐसे में मैं अक्सर बोलती हूँ मैं तो नहीं आंसर करूँगी, आप लोग ही बताओगे क्या आंसर है। सो या, बिल्कुल मनीष, द ऑपोजिट ऑफ आयम्बिक इज ट्रोकेक। आयम्बिक में अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड है। अलेक्जेंड्रीन को स्पेंसेरियन नहीं बोलते हैं नेहा, अलेक्जेंड्रीन तो बेसिकली एक मेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आयम्बिक हेक्सामीटर की लाइन है। स्पेंसेरियन स्टैंजा में तो हमारे पास राइम स्कीम होती है, स्पेंसेरियन स्टैंजा का राइम स्कीम होती है, और उसमें जो लास्ट लाइन है वो अलेक्जेंड्रीन होती है, ठीक है। स्पेंसेरियन स्टैंजा एक राइम स्कीम है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, और हेक्सामीटर एक मेट्रिकल फॉर्म है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी, इटालियन वर्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ स्टैंजाज ऑफ 3 लाइन टर्सेट्स इज कॉल्ड टर्जा रीमा विद द राइम स्कीम। एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, वेरी गुड कामना, ए बी, इंटरनल राइमिंग होती है इसमें, ए बी सी डी सी। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो वाली लाइन अंदर सैंडविच होती है, सेकंड स्टैंजा में वो बाहर आ जाती है, सेकंड स्टैंजा में जो अंदर होती है, थर्ड में वो बाहर आ जाती है, ऐसे सैंडविच बनता है, इंटरनल राइमिंग क्रिएट होती है। ये स्पेसिफिक जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम टर्जा रीमा बोलते हैं। और कोई भी हमारा स्टैंजा जिसमें 3 लाइन्स हैं, डजंट मैटर राइम स्कीम क्या है, एनी काइंड ऑफ अ पोएटिक स्टैंजा जिसके अंदर 3 लाइंस हैं, डजंट मैटर कि राइम स्कीम क्या है, उसको हम टर्सेट बोलेंगे, ठीक है गाइस, ओके। चलो अब यहाँ से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं टू अ स्काईलार्क बाय पी.बी. शेली। पोएम जो है 21 स्टैंजाज में है, 5-5 लाइनों के, हमने राइम स्कीम तो इसकी देख ली है। पोएम शुरू करते हैं। इस पोएम के अंदर वो बेसिकली बता रहे हैं, इस पोएम की जो थीम है वो है हाउ आर्ट प्रोवाइड्स, ठीक है, हेवनली ब्यूटी / आर्ट / हैप्पीनेस टू ह्यूमैनिटी। जिस ह्यूमैनिटी को, सॉरी, जिस हैप्पीनेस को, जिस आर्ट को, जिस ब्यूटी को हम अपने वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में सर्च करते हैं, सीख करते हैं, वो एक्चुअली वहाँ की होती नहीं है, वो चीज़ें तो हमें नेचर से भी मिल सकती हैं। ये पोएम काफ़ी हद तक वर्ड्सवर्थीयन है, ठीक है। पोयम काफी हद तक वर्ड्सवर्थियन है क्योंकि इसके अंदर जो है जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ अपनी सारी जो ग्लोरी है उसका सोर्स नेचर और नेचुरल सेटिंग्स में, नेचुरल वर्ल्ड में फाइंड करते हैं, इस पोयम में भी शेली जो है वो सारी जो ग्लोरी है, हेवनली गॉडलीनेस है, उसको एक नेचुरल फॉर्म में, एक नेचर की ब्यूटियस फॉर्म में उस स्काईलार्क में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है इस पोयम की मेजर थीम है। समझे आप लोग, इसको समझ गए हो? चाहो तो आप लोग इस वाली स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने सारे के सारे कवर किए हुए हैं। तो पीबी शैली के पोएम्स में अगर आपको ध्यान हो, जनरली उनकी पोएम्स किसी ना किसी तरीके का एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी एजेंडा दिखाती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पोएम में ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी एजेंडा है नहीं, तभी मैंने इस पोएम को वर्ड्सवर्थियन बोला है, क्योंकि ये एसेंशियली आर्ट, पोइट्री, नेचर और उन चीज़ों को डिनोट कर रही है। ठीक है, बिल्कुल वो उस स्काईलार्क की पर्सनल इटर्नल हैप्पीनेस को, उसकी परफेक्ट ब्यूटी को कंपेयर कर रहे हैं विद द सैड स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इसमें, इस पोएम में कोई उस तरीके का पॉलिटिकल मैसेज नहीं है पर से, जो आपको जनरली शैली की पोएम्स में मिलेगा। ठीक है, अब सब लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ जो भी मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ साथ साथ चलेंगे। ठीक है, क्लास में अभी कौन सा बैच है, कौन सा ये है, कौन सा वो है, अभी वो रैंडम बातें नहीं करनी है, अभी मेरे साथ लगे रहो, क्लास अटेंड करो, सुनो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वो सारा हमने कवर करना है। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं क्लास को। हेल टू दी, ठीक है, यानी हेल टू दी यानी जय हो, जय हो, जैसे जहाँपना, ठीक है, जैसे हम किसी किंग या क्वीन के आगे जैसे उस तरीके से हाथ जोड़ते हैं, हम तो सिर झुकाते हैं। ठीक है, तो आपकी जय हो, ठीक है, उस तरीके से। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, ब्लाइथ यानी हैप्पी एंड केयर फ्री, ब्लाइथ यानी कि हैप्पी एंड केयर फ्री। ठीक है, सो हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट। आप देखोगे इस पोएम के अंदर हमारी इस सब्जेक्ट मैटर को, हमारे इस स्काईलार्क को एक होली स्पिरिट, हेवनली स्पिरिट बुला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पोएम में जिस तरीके की हम स्ट्रक्चर्स ओड्स में देखते हैं, इस पोएम में कुछ वैसा ही है, जैसे कीट्स के नाइटिंगेल में था, है ना। नाइटिंगेल को ग्लोरीफाई कर दिया है, उसको पेडेस्टलाइज कर दिया है, उसको एक हेवनली गॉडली फिगर की तरह प्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली इस वाली पोयम में भी जो स्काईलार्क है उसको एक गॉडली हेवनली स्ट्रक्चर की तरह जो है प्रेजेंट किया गया है, यानी ये पोयम के अंदर जैसे ना ओड की तरह ही इसको भी हम रीड कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई ओड स्टैंजास वगैरह नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी ओड्स वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके का थीम या ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हम ओड्स में देख सकते हैं, इस पोयम में भी हम उसको देख पा रहे हैं। बट दाउ नेवर वर्ट दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, ठीक है, तुम वो हो जो कभी थी ही नहीं, यानी कि तुम वो हो जो इटर्नल हो, इमॉर्टल हो। अब इस लाइन की दो मीनिंग्स हैं। पहली बात तो ये पोएम की इंस्पिरेशन उनको आई थी जब वो इटली में एक इवनिंग वॉक कर रहे थे अपनी वाइफ मैरी शेली के साथ, तो उन्होंने ये गाना सुना था स्काईलार्क का, वहाँ से उन्होंने जो है बेसिकली इसको वो किया था, ये पोएम की इंस्पिरेशन उन्होंने फाइंड की थी। और याद रखिए इस बात को कि इस पोएम के अंदर उन्होंने देखा नहीं था, ही डिडंट सी द स्काईलार्क एक्चुअली, ही ओनली हर्ड हर वॉइस, तो इसलिए वो पहली बात तो उसको बोल रहे हैं दाओ नेवर वर्ट, तुम्हें तो वहां देखा ही नहीं, तुम तो दिखी ही नहीं। दूसरा इसका मतलब है तुम दिखी नहीं मतलब तुम हेवनली हो, ठीक है, तुम इटर्नल हो, तुम इमॉर्टल हो, उसको होलीनेस प्रोवाइड करवा दिया, उसको इमॉर्टलाइज करा दिया है। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, ठीक है, तुम अभी इस दुनिया में तो दिख ही नहीं रही हो, तुम तो हेवन के पास कहीं पे बैठी हो, भगवान के घर में तुम कहीं बैठी हो। एंड फ्रॉम देयर यू पोर योर फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, तुम्हारा जो म्यूजिक है वो अनप्रीमेडिटेटेड है, यानी इससे पहले ये गाना ना कभी सुना गया ना कभी सुना जाएगा। तुम जो हेवनली सॉन्ग यहाँ पे गा रही हो, ना ये इससे पहले सुना गया है ना ये सुना जाएगा, ठीक है। इन प्रफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। हायर स्टिल, आप लोगों को दिख रहा है आई थिंक स्क्रीन में नीचे छुप रहा है ना, रन के बाद एक लाइन छुप रही है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये ऊपर रीड करके बता दूंगी। हायर स्टिल एंड हायर From the earth thou springest like a cloud of fire. तुम्हारी आवाज़, क्योंकि अब वो सिर्फ आवाज़ को अज्यूम कर सकता है, आवाज़ सुन के वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये स्काईलार्क कहाँ से गा रही होगी. सो हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर. तुम तो उसको यहाँ पे जो है, यहाँ पे द क्लाउड ऑफ फायर जो है यहाँ पे एज अ बर्ड हु इज बर्निंग ऑन फायर. सो ये हमें किसकी याद दिलाता है? द बिब्लिकल क्रीचर फीनिक्स. द बिब्लिकल क्रीचर फीनिक्स जो हर 500 साल बाद आग में भस्म होकर जल के मर जाता है और अपनी ही एशेस से री इनकारनेट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बिब्लिकल एक मैसेज आ जाता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे इस स्काईलार्क को हेवनली डिक्लेयर कर दिया है, उसको गॉडली डिक्लेयर कर दिया है. उसको कैसे गॉडली डिक्लेयर किया है? ऐसे एक बिब्लिकल एग्जाम्पल के थ्रू, बिब्लिकल अल्यूजन के थ्रू. The blue deep thou wings and singing still thou soar and soaring ever singest. तुम गाते गाते उड़ रही हो, उड़ते उड़ते गा रही हो. यानी तुम्हारा हवा में उड़ना और तुम्हारा गाना ये एक ही महसूस हो रहा है. तुम्हारी आवाज़ स्काई के डीप ब्लू कलर में घुल गई है. तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी जो साउंड है, तुम्हारा जो ये स्वीट म्यूज़िक है, ये ब्लेंड हो रहा है विद द डीप ब्लू कलर ऑफ द स्काई. In the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou those float and run like an unbodied joy over whose race is just begun. ठीक है, so वो कह रहे तुम जो है अभी sunset हो रहा है. ठीक है, सन जो सूरज है वो ढल रहा है, तो ढलते ढलते आपको पता है जो सन है वो गोल्डनिश, ऑरेंजिश, रेडिश कलर का हो जाता है. तो वो जो वेस्ट की तरफ जो डूबता सूरज है उसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो सेटिंग सन है उसकी एक इमेजरी यहाँ पे क्रिएट की गई है. तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है? इमेजरी. एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है ऑफ द सेटिंग सन इन द वेस्ट, कि जब सन सेट होता है, सनकिन सन, और उसकी जो बीम्स यानी उसकी जो आउटर अपीयरेंस, आउटर शेप है वो गोल्डनिश हो जाती है. तुम उनके बीच में से उड़ती हुई जाती हो. दो दाओ डोस फ्लोट एंड रन. दाओ यहाँ देखो क्या है, दाओ यानी यू, दाय यानी योर, और दोस्त यानी डज. ये तो वैसे मैंने आप लोगों को कीट्स वीट्स की पोइट्री इतनी सारी कराई है और वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हम लोगों ने डिटेल में कवर की हैं, उनमें मैंने ये सब आपको करवाया हुआ है पहले भी. फिर भी जो मेरी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, ये मिडीवल इंग्लिश के फॉर्म्स हैं, तो जो प्रोनाउंस हम आज यू, योर ये सब यूज़ कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ कर रहे हैं लाइक डज, उनके लिए ये मिडीवल टर्म्स हैं हमारे पास. दाओ का यू, दाय का योर एंड दोस्त का दस. ठीक है, सो व्हेन ही सेज दाओ दोस्त फ्लोट एंड रन, इसका मतलब यू डू फ्लोट एंड रन. जैसे कि एक छोटा बच्चा अभी अभी उसके अंदर नई नई एनर्जी आई और वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, फिर रहा है, भाग रहा है. तुम भी इस तरीके से सेटिंग सन की गोल्डन ऑरा के बीच में उड़ती उड़ती जा रही हो. और बहुत ही खूबसूरत एक इमेजरी जो है यहाँ पर क्रिएट की गई है. इस पोएम के अंदर जितनी रिचनेस है इमेजरी की, अब देखो आगे, आप देखो बैक टू बैक सीक्वेंस ऑफ सिमिलीज आएंगे. ठीक है, उन सीक्वेंस ऑफ सिमिली से ये पोएम ना कि सिर्फ वर्ड्सवर्थियन बल्कि एट सम लेवल कीट्सियन भी बन जाती है. ठीक है, ये पोएम अपने लव फॉर नेचर एंड नेचुरल फॉर्म्स की वजह से वर्ड्सवर्थियन तो है, लेकिन इस पोएम के अंदर जितनी रिच इमेजरी उन्होंने इवोक की है उसकी वजह से ये पोएम जो है कीट्सियन भी बन जाती है. ठीक है, नेचर और नेचुरल ब्यूटी को जो अप्रिसिएशन इस पोएम में मिला है वो ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ कीट्सियन पोइट्री है. ठीक है, आई एम सॉरी गाइज, वो स्क्रीन नहीं चेंज हो पाएगी, ये चेंज नहीं हो पाएगा इसका. मैंने वो पढ़ के सुना दिया आपको, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है उसकी. ठीक है, वो स्क्रीन का ना साइज सॉरी नीचे रह गया है वो. The pale purple even melts around thy flight like a star of heaven in the broad day light. और वो कह रही है क्या, स्पीकर बोल रहे हैं सिर्फ ढलते सूरज के आसपास थोड़ा ना तुम भाग रही हो, तुम तो उगते सूरज जो बिल्कुल एकदम अपनी प्राइम पे होता है सन, तुम तो उसके कलर्स में भी जाके ब्लेंड हो जाती हो. तो ये जो पेल पर्पलिश है, ठीक है, पेल पर्पलिश, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो डिनोट द डॉन. ठीक है, ऑल्सो द, वैसे मोस्टली इट इज डॉन ओनली, क्योंकि डस्क में अगेन हमारे पास जो है उस तरीके का एक कलर आता है, ऑरेंजिश कलर ही आ रहा है. तो जब रात अभी खत्म होने लगती है, रात खत्म सी हो रही होती है, उजाला आसा रहा होता है, तो एक वो जो मॉर्निंग पीरियड होता है, डॉन का पीरियड, वो जो बीच का पीरियड होता है जिसको हम ट्वाइलाइट बोलते हैं, ठीक है, ट्वाइलाइट जोन जो होता है हमारा, उसमें स्काई का कलर क्या होता है, बड़ा ही खूब, मुझे बहुत पसंद है वो कलर, बड़ा ही खूबसूरत सा ये ब्लू कलर होता है, इंडिगोइश कलर, पर्पलिश कलर, है ना। अच्छा आप लोग मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा ये पेल वाला स्टैंजा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया, कामना बा आप बता सकते हो क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था, किस फॉर्म में क्वेश्चन आया था। मुझे साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आपको कौन सा वाला पार्ट दिन का सबसे अच्छा लगता है। एक तो मॉर्निंग, एक बिल्कुल आफ्टरनून वाला पार्ट, इवनिंग वाला पार्ट, नाइट वाला पार्ट, या फिर ये जो शाम को दिन से जो रात होती है डस्क वाला पार्ट, या फिर जब रात से दिन हो रहा होता है डॉन वाला पार्ट। आपको कौन से पार्ट में स्काई सबसे ब्यूटीफुल लगता है, मुझे अभी आप ये बता दो, ठीक है। यूपी पीजीटी की क्लास 12 बजे वाली भी चली थी, 1 बजे वाली भी चली थी, श्वेता अंकुर, दोनों क्लासेस चली थी। आप लोग मुझे अपनी चॉइस बताओ। अच्छा आइडेंटिफिकेशन का था, ओके, इवनिंग, ठीक है, तनु को तो इवनिंग पसंद है, मिली को बिल्कुल मॉर्निंग पसंद है, पूजा को मॉर्निंग जब दिन होता है, नेहा को डस्क पसंद है, राहुल को डॉन और इवनिंग पसंद है, वाह, आशीष को डस्क, प्रीति को मॉर्निंग एंड शाम, ठीक है, मोनिका मॉर्निंग, बीना मॉर्निंग, मनीष अर्ली मॉर्निंग 3:30 जब मैं पीपीटी भेजती हूँ अपनी सुबह सुबह अपने मेल पे, हाँ। फर्स्ट स्टैंजाज, अच्छा फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम, ठीक है कूल, हाँ जी। तो आई थिंक हम लोग राइट ट्रैक पे ही हैं। जितनी इंपॉर्टेंट पोएम्स पेपर में लाइन टू लाइन आ रही है वो सारी पोएम्स मैंने आपको यूट्यूब पे करा ही दी हैं, तो हम लोग राइट ट्रैक पे हैं अपनी प्रिपरेशन में, है ना। अच्छा ओके, थैंक यू सुदीप्ता, हाँ जी। हेक्टिक शेड्यूल के बाद मुझसे मिलने का ये बेस्ट टाइम लगता है 4 बजे। मुझे लगा आप लोग अभी शाम को 4 बजे बोलोगे, 4 PM जब मेरी क्लास होती है। क्या यार दिल तोड़ दिया आप लोगों ने, हैं। मुझे लगा आप लोग बोलोगे मैम हमारा फेवरेट, अभी 1-2 लोगों ने बोला है सिर्फ, हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स दूंगी 4 PM मुझे लगा बोलोगे आप लोग कि मैम आपकी जो क्लास होती है वो हमारा दिन का बेस्ट टाइम होता है। क्या यार, अरे चलो कोई बात नहीं, सह लूंगी मैं, इस दुख को भी सह लूंगी, कोई बात नहीं चलो चलो गुड, ओके चलो। तो ये जो पेल पर्पलिश मोमेंट टाइम होता है डॉन वाले पीरियड का, ठीक है। हाय जैन, गुड इवनिंग, वेलकम, हाँ जी। तो वो कह रहे हैं उस पीरियड में भी वो जो कलर है इट मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, दाई अभी मैंने आपको पीछे बताया योर, इट मेल्ट्स अराउंड योर फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, ठीक है। वो जो तुम चमकती हुई, तुम उस जो मॉर्निंग का पीरियड है जो वो पर्पल कलर फेड हो रहा है, तो उसमें चमकती हुई ग्लाइड करके जब निकलती हो, ऐसा लगता है जैसे कि मॉर्निंग में एक स्टार हेवन का चमक रहा है। किसका मेंशन है यहाँ पे? मॉर्निंग स्टार का। किसका मेंशन है यहाँ पे? मॉर्निंग स्टार का। कौन सा प्लैनेट होता है? वीनस। वीनस का प्लैनेट ना सुबह सुबह डॉन पे भी दिखता है, शाम को डस्क पे भी दिखता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पीकर, हमारा पोएट कह रहा है कि जो ये स्काईलार्क है, जब ये डॉन के पीरियड में कलर, ये जो पर्पलिश स्काई है, इससे ग्लाइड थ्रू करती है, सो इट शाइन्स ब्राइट लाइक द मॉर्निंग स्टार, दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। तुम्हें मैं देख नहीं सकता, तुम्हें पर मैं सुन सकता हूं, तुम्हारे श्रिल यानी शार्प, तुम्हारी शार्प डिलाइट को, तुम्हारी डिलाइट, तुम्हारी जॉय, तुम्हारी हैप्पी वॉइस को मैं दूर से सुन सकता हूँ। कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर, किस सिल्वर स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे? इट इज द मून, ठीक है। सिल्वर स्फीयर किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मून की। Keen as are the arrows of that silver sphere, whose intense lamp narrows in the white dawn clear. जब दिन जब रात होती है तो मून बिल्कुल अपना बड़े साइज में होता है, आसमान में चमक रहा होता है। जैसे जैसे दिन आने लगता है तो उसकी जो डार्कनेस है, उसकी जो सॉरी ब्राइटनेस है, उसकी जो लाइट है वो धीरे धीरे जो है अंदर अंदर जो है ब्लेंड होने लगती है आसमान में, अपने ही अंदर छुपने लगती है। जैसे आपने धीरे धीरे करके एक लैम्प की लाइट को डिम कर दिया हो, अंटिल वी हार्डली सी व्हाट वी फील दैट देयर इज। तो आपने शाम को सुबह भी ऐसे देखा नहीं होगा, कभी कभी बहुत ही खूबसूरत लगता है कि चांद बादल के पीछे छुपा होता है, चांद छुपा बादल में, ठीक है, शर्मा के, आगे नहीं बोलूंगी ज्यादा, नो टू मच बॉलीवुड हो जाता है फिर। सो जब चांद वो बादल के पीछे छुप रहा होता है तो आपको पीछे से शेप दिखती है, हल्की 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 आपको ऐसे ऐसे करके मून की शेप दिख रही होती है, ठीक है, लेकिन वो सारा बादल में छुपा होता है। आपको पता है वहां पे है मून, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं दिखता। तो ये वो वाली लाइन है, ठीक है ना, इन द वाइट डॉन क्लियर अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर। तो कह रहे हैं जैसे मून भी क्लाउड्स के पीछे मॉर्निंग के पीरियड में छुप जाता है, पर उसकी जो गोल्डन उसकी जो सिल्वर ब्रिम है, रिम, उसकी जो बाउंड्री है, हमें दिखता रहता है कि मून वहीं पे है। उसी तरीके से हमें तुम्हारी आवाज़ भी सुन रही है, हमें पता है तुम हेवन में कहीं से गा रही हो, मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ओके। All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. तो देखो जब एकदम full moon नाइट होती है, खूबसूरत सी, है ना, उसमें क्या होता है, अगर मून बिल्कुल ही बादल के पीछे छुप जाए तो एकदम लगता है अंधेरा हो गया। लेकिन जिस दिन फुल मून नाइट होती है, ठीक है, पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन क्या यू सी द मून इज सो ह्यूज एंड वाइट कि ऐसा लगता है कि अंधेरे में भी चलने में डर नहीं लगता, बिकॉज मून की लाइट, इतनी लाइट रिफ्लेक्ट अर्थ पे कर रही होती है। तो ये कह रहा है कि तुम्हारी जो लाइट है, ठीक है, तुम्हारी जो लाइट है, सॉरी तुम्हारी जो वॉइस है वो एकदम से रुक जाती है, फिर एकदम से वापस जो है आने लगती है, गाने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी बर्ड, सॉरी किसी, ये जो मून की एक साइड एकदम से क्लाउड्स के बाहर निकलती है और एकदम से अंधेरे को उजागर में, रोशनी में बदल देती है। The moon rains out her beams and heaven is overflowed. What thou art, we know not. What is most like thee? फिर वो कह रहे हैं मैं तुम्हें किससे कंपेयर करूं। इससे मुझे याद आया, ये वो वाली पोएम है ना, जैसे शेक्सपियर का सोनेट है, शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, याद आया आपको, शेक्सपियर का फेमस सोनेट है ये। तो जैसे उसमें एक रिटोरिकल क्वेश्चन शेक्सपियर अपनी बिलावड से पूछता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को किस चीज़ से कंपेयर करूं, एक समर डे की ब्यूटी से, उसकी वार्मथ से, उसकी डिलाइट से। तो यहाँ पे भी हमारा स्पीकर उस स्काईलार्क से ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हें मैं किस चीज से कंपेयर करूं, किस चीज से लाइकन करूं। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ स्ट्रेन ऑफ मेलेडी। कि जब बादल छाए होते हैं, बीच में सनलाइट आती है और रेनबो भी क्रिएट होता है, तब भी इतनी ब्यूटी जो है वहाँ से, इतनी लाइट वहाँ से फ्लो नहीं कर रही होती, रेडिएट नहीं कर रही होती, जितनी ब्यूटी इस वक्त तुम्हारे सॉन्ग से रेडिएट कर रही है, ठीक है। कौन सा है सोनेट, सोनेट नंबर 18 है, 19 है, बताइए। अच्छा, मून वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई ऑल्सो लव फुल मून नाइट्स। अभी हमें कामना बता रही है बीच बीच में कौन कौन सा वो है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किस तरीके से आया था। द लिरिकल जीनियस ऑफ डैश कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन पोएम्स लाइक ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और एलिस्टर। अच्छा, तो आंसर इज पीबी शेली ना, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है राहुल, वो तो उस वाले क्वेश्चन का तो डायरेक्ट ही आंसर है, वो तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हिम्स अनबिटन। जैसे आज हम लोगों ने मेरे फर्स्ट वाले बैच में, जो मेरा 12 बजे वाला बैच है पेड वाला, उसमें अभी हम जैसे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन कर रहे हैं, तो आज मैंने आप लोगों को याद है ना बताया था, हाउ एन आर्टिस्ट ही गोज इनटू अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन और सेक्लूजन, एकदम अलग से चला जाता है, अलग से हो जाता है वो, ठीक है। जब वो अपने आर्टिस्टिक क्रिएशन के प्रोसेस में होता है। तो यहाँ हमारा पोएट भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा स्काईलार्क है, ये जो हमारा बर्ड है, ये ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है अनसीन, जैसे कि एक पोएट अपनी आइसोलेटेड, अपनी सेक्लूडेड स्टेट में होता है और बैठ के अपनी पोएटिक क्रिएशंस कर रहा हो। टिल द वर्ड इज रॉट टू सिंपथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट, और वो उनमें वो मैसेजेस, वो प्रोफेसीज, वो ऑरिकल्स लिख रहा हो जो सोसाइटी को अभी समझ नहीं आ रही है लेकिन इवेंचुअली पता चलेंगी। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, अब आप देखोगे यहाँ पे लाइक अ पोएट हिडन, like a high-born maiden, back to back there will be a series of similes. ठीक है, back to back there will be a series of similes जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, so मैम ये TGT के लिए भी है क्या शिल्पी? सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपी टीजीटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बाकी टीजीटी के लिए है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकियों में सिलेबस थोड़ा वास्ट है। यूपी टीजीटी के लिए ये रेलेवेंट आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, सो देखो सीरीज ऑफ सिमिलीज चलेंगे। पहले वो अपनी स्काईलार्क को एक पोएट से कंपेयर करता है, फिर वो उसको एक हाई बॉर्न मेडन यानी अ गर्ल हु इज बॉर्न इन एन अपर क्लास फैमिली, जो अपने पैलेस टावर में बैठी है, ठीक है, एक टार में, अपने पैलेस के एक टार में बैठी है, सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर, जो अपना प्यार छुपाए वहाँ पे चुपके से, ठीक है, अपने प्यार के बारे में सोच रही है, अपने लव, अपने बिलवड के बारे में सोच रही है। विथ स्वीट म्यूजिक एज लव विच ओवरफ्लोज हर बार, तो उसके बावर, उसका जहाँ पे वो बैठी है वहाँ पे बाहर की तरफ बालकनी है जहाँ पे एक ओपन लॉन है, वहाँ बैठ के वो अपने लवर, अपने बिलवड के बारे में जो है ड्रीम्स ले रही है। ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं उसके साथ कंपेयर करूँ? ऐसे मल्टीपल अब देखो वो होंगे सीरीज ऑफ सिमिलीज। फिर देखो लाइक अ ग्लोवर्म, जुगनू कहते हैं जिसको, ग्लोवर्म, लाइक अ ग्लोवर्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू स्कैटरिंग बिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, तो जैसे एक जुगनू जब कभी एक बूंद के टच में आता है तो उस वाटर ड्रॉपलेट की वजह से वो ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा और उसकी जो लाइट है, जो वैसे तो यूनिकलर है, उस प्रिज्म में लाइट बार बार रिफ्लेक्ट हो के मल्टीपल रिफ्लेक्शन से गुजरेगी, तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स वो सारी लाइट को मल्टीपल डायरेक्शंस में स्कैटर कर देगा, है ना, और वो जो एक सिंगल लाइट थी उस बर्ड की वो स्कैटर हो जाएगी, है ना। सो उसी तरीके से तुम्हें मैं उस ग्लोवर्म से, उस जुगनू से कंपेयर करूँ जिसकी लाइट स्कैटर हो जाती है एक वाटर ड्रॉपलेट के टच में आके, among the flowers and grass which screen it from the view, ठीक है, तो दूर से हमें वो जुगनू नहीं दिखता, लेकिन जब ड्यू पड़ती है, मिस्ट पड़ती है, ठीक है, ठंडे मौसम में ग्रास पे या फ्लावर्स पे, तो दूर से हमें वो जुगनू तो नहीं दिखेगा, छोटा सा होता है, लेकिन क्योंकि अब वो वाटर ड्रॉपलेट, वो ड्यू का ड्रॉप उसकी लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसलिए हम दूर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे एक ग्लोवर्म बैठा है। लाइक अ रोज एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म विंड्स डीफ्लावर टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स, तो जैसे कि एक बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल अपनी ही पत्तियों के बीच में उगा हुआ है और जब हवा चलती है तो वो बिखर के कहीं दूर उड़ जाता है और हवा में फिर मध्यम सी उसकी जो खुशबू छा जाती है। क्या मैं तुम्हें उसके साथ कंपेयर करूं? साउंड ऑफ वर्नल शार्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, वर्नल यानी एनीथिंग रिलेटेड टू स्प्रिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू स्प्रिंग इज कॉल्ड वर्नल। So sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was joyous and clear and fresh. Thy music doth surpass. कि fresh summers, spring के showers में जब फूल खिल उठते हैं, पत्ते, झाड़ियाँ सब एकदम मिट्टी से साफ हो जाती हैं, एकदम ग्लो कर जाती हैं, ठीक है, एकदम bountiful हो जाते हैं with that fresh shower of water of rains. कि क्या मैं तुम्हें उस क्लैरिटी से कंपेयर करूं? ये जो नए नए हमारे न्यूली अवेकेंड फ्लावर्स हैं, सोए हुए फ्लावर्स हैं, इनके ऊपर जब बौछार पड़ती है स्प्रिंग की तो ये अपनी नींद से जाग जाते हैं। टीचर्स, स्प्राइट और बर्ड, फिर से वो उसको जो है पेडेस्टलाइज कर देगा। स्प्राइट का मतलब यहाँ पे स्पिरिट ही है, ठीक है, उसको हेवनली डिक्लेयर कर देगा, उसको गॉडली डिक्लेयर कर देगा। वो उसको बोलेगा टीच अस स्पिरिट और बर्ड, मुझे नहीं पता तुम क्या हो, तुम कोई गॉड का भेजा हुआ कोई ऐसा क्रीचर हो या फिर तुम एक नॉर्मल बर्ड हो, मुझे नहीं पता। What sweet thoughts are thine? Thine again means your, yours. ठीक है, thine here also means yours. What sweet thoughts are thine? I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. ठीक है, इससे पहले तुम्हारे गानों में जो एक खूबसूरती है, एक उसमें जो मदहोशी है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है मुझ पे, ना तो मैंने वो लोगों पे देखा है जब वो प्यार में पड़ते हैं, ना मैंने लोगों में देखा है जब वो वाइन की इंटॉक्सिकेशन में होते हैं। ऐसा क्या है तुम में जो तुम इस तरीके से हमें अपने गाने से मदहोश कर रही हो। कोरस हिमनियल, ठीक है, कोरस हिमनियल। हाइमेन इज बेसिकली, शी इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ मैरिज, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब एक अगेन गॉडली टर्म्स यूज की हुई है। कोरस हाइमिनल यानी कि कोरस हेवनली, कोरस हाइमिनल यानी कि कोरस हेवनली। कोरस क्या होता है? इट इज एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस परफॉर्मर्स। कोरस दैट इज हेवनली और ट्रायम्फल चांट, कि या तो तुम कोई आसमान से भगवान का सुनाया हुआ गाना हो, गीत हो, या फिर तुम जब कोई एक टीम या फिर वॉर में कोई एक साइड जब अपना वॉर जीत जाती है तो फिर वो लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो या तो तुम उनका म्यूजिक हो, उनका साउंड हो। मैच विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट। वांट यानी फॉल्स प्रेजेस, एक्सेसिव प्रेज टू द पॉइंट ऑफ लुकिंग फॉल्स। जब आप किसी की इतनी तारीफ कर दो कि आपको लगेगा भाई झूठी तारीफ हो रही है, ठीक है। सो वो बोलेगा कि अगर मैं किसी भी चीज़ को तुम्हारी गाने की ब्यूटी से कंपेयर करने की कोशिश करूं, चाहे वो अर्थली हो चाहे वो हेवनली हो, वो तो एक झूठी तारीफ ही लगेगी तुम्हारे गाने के आगे। क्लास की बिगनिंग में ही मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, कि हमारी जो नेचर और नेचुरल ब्यूटी है वो हमें जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, वो हमें जो सोलेस, जो डिलाइट प्रोवाइड करती है, वो वर्ल्ड की कोई और चीज़ नहीं कर सकती। इस पोएम में भी वो यही चीज़ को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इस थीम को, अपने इस आर्ग्यूमेंट को इन अ वे एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके ऊपर इन अ वे रिसर्च आर्टिकल में क्या करते हैं, हम एक प्रपोजल देके हम उसको एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमने बोला है वो ठीक है या नहीं है। इस पोएम में भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। ऐसा लोगों को ऐसा लगेगा मैं तुम्हारी इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ कि शायद मेरा ही कोई फ़ायदा है तुम्हारी तारीफ इतनी करने में, पर बात ऐसी नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम अर्थली हो, गॉडली हो, तुम हो क्या। What objects are the fountains of thy happy strain? ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे गानों को इतना मेलोडियस बना रही है, तुम्हारे अंदर से इतना ये खुशी का जो फाउंटेन फूट रहा है तुम्हारे अंदर से, ये कहाँ से आ रहा है? What fields or waves or mountains, what shapes of sky or plain, what love of thine own kind, what ignorance of pain। ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे अंदर ये हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रही है? कौन से खेत, कौन से ओशन की वेव्स, कौन से माउंटेन्स, कौन सी शेप्स ऑफ द नेचर, स्काई और प्लेन, ठीक है, कौन सा प्यार, कौन सा पेन, ये क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अंदर इस तरीके की एक्सेसिव ब्यूटी प्रोड्यूस कर पा रहा है। विद दाई क्लियर कीन जॉइंस लैंग्वर कैन नॉट, शैडो ऑफ अनॉइंस नेवर केम नियर दी। ठीक है, तुम्हारे अंदर ना तो किसी चीज़ को लेके जो है एक डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, तुम किसी चीज़ को अपने साथ रेड़ के नहीं चल रही हो, तुम घसीट नहीं रही हो किसी सैड फीलिंग या किसी पास्ट एक्सपीरियंस को अपने साथ, और तुम्हारे अंदर किसी तरीके की अनॉयंस भी नहीं है। नेवर केम नियर दी, दाउ लवेस्ट बट नेवर नो लव सैड सैटाइटी। तो हम लोगों ने वीनस एंड एडोनिस के साथ किया था ना, कि जब वीनस का प्यार एडोनिस के लिए अधूरा रह जाता है तो वो पूरी मैनकाइंड को क्या एक कर्स देके जाती है, दैट नाउ लव फॉर एवर विल बी कैरेक्टराइज्ड विद जेलसी, सैडनेस, ग्रीफ, सोरो, पेन इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो शेली भी बोलता है कि वर्ल्ड का जो 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 लव है on this earth, in this world, it is always characterized by pain, heartbreak, sorrow, sadness। तुम्हारा ऐसा कौन सा प्यार है जो तुम्हें इतनी खुशी दे रहा है कि तुम्हें प्यार के दुख भी समझ नहीं आ रहे हैं। वेकिंग और स्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम। तुम तो इतनी हेवनली हो कि हम तो सिर्फ आंख बंद करके सपने लेते हैं, तुम तो सपनों की दुनिया में ही जा रही होगी, तुम्हें तो ये अर्थ, लाइफ, डेथ, मोर्टैलिटी, ट्रांसियंस ऑफ लाइफ, ये वाली जो चीज़ें हैं तुम्हें तो इनका कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा होगा। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम। तुम तो वो चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं गाइज, तुम्हें तो वो चीज़ें दिख रही हैं, तुम्हें तो वो चीज़ें समझ आ रही होंगी जो हम ह्यूमंस को, हम मॉर्टल्स को समझ में ही नहीं आती हैं। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, तुम्हें कुछ तो ऐसी हेवनली नॉलेज मिल रही है जो हम ह्यूमंस के पास नहीं है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इस तरीके से गा पा रही हो जैसे तुम इस वक्त गा रही हो। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट एज ह्यूमंस, ठीक है, वी नेवर लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। या तो हम अपने पास्ट में झांकते रहते हैं या हमें अपने फ्यूचर की पड़ी रहती है, हम अपने प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। एंड आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, इवन व्हेन वी आर इन अ जॉयस मोमेंट we find a way to spoil it, to destroy it by thinking of something negative from the past. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. बहुत ही famous lines हैं ये guys. ये वाली lines in fact बहुत oftenly quoted भी है. बहुत oftenly quoted lines हैं ये. बहुत important lines हैं. Note down कर लीजिए इसको. कि हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं, इवन इन द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, वी ह्यूमंस, वी मॉर्टल्स, हमें आदत है उसमें भी सैड थॉट्स को रिमेंबर करने की, सैड थॉट्स गाने की। येट इफ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, अगर एज ह्यूमन्स वी लर्न टू फोरगो ऑफ द पास्ट, टू नॉट थिंक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड टू फोकस only on the positive aspects of life, then what will happen? तो हमारी लाइफ सोचो कैसी होगी। I know not how thy joy we ever should come near. मुझे नहीं पता कैसे हम उस इटर्नल ग्लोरियस हैप्पीनेस और डिलाइट को टच भी कर पाएंगे जिसको तुम कंटिन्यूसली अपने सॉन्ग के थ्रू गा रही हो। ये वाला पूरा का पूरा स्टैंजा आप देखोगे, बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट और हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। जैसे कि अभी हम लोग एक पेपर के लिए एम कर रहे हैं, राइट गाइज। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर वाला स्टैंजा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी 2019। थैंक यू ऋतु, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ये सब क्वेश्चन देख के थोड़ी मुझे खुशी हो जाती है क्योंकि क्लास में मैं कोशिश करती हूँ ढूंढ के वो वाली पोएम्स को यूट्यूब पे कराने की जिसमें से पोएम्स के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये सब क्वेश्चंस आप लोग जब शेयर कर रहे हो, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है, ये देख के कि हमारी तैयारी की डायरेक्शन अच्छी जा रही है। क्या कहते हो गाइज, है ना? आई थिंक हमारी तैयारी की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जा रही है, राइट? हाँ जी, तो ये वाली जो लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग इस वक्त, इंक्लूडिंग मैं आपके साथ, इस जर्नी में हैं जहाँ पे एक फ्यूचर में एक एग्ज़ाम है जो कहने को हमारी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा, ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो हम, ऐसा हो सकता है कि आज जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए कि आगे का हम स्ट्रेस लेते रहते हैं कि यार पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा, तैयारी कैसी जा रही है, तैयारी कैसी नहीं जा रही, है ना? ये सब दिक्कतें, ये सब सोच विचार हमारे जहन में रहते हैं। पर मैं, ये पोयम हमें कितना प्यारा मैसेज सिखा रही है, ठीक है, कि आपका काम है आज इस मोमेंट में रह के अपनी तैयारी जारी रखना, अपने पेपर पे फोकस रखना, अब सबसे इम्पॉर्टेंटली अपनी तैयारी पे भरोसा रखना, वो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी तैयारी आपको बेनिफिट देगी। जब तक ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप फ्यूचर का स्ट्रेस छोड़ के अपने 100% होल एंड सोल अपना अटेंशन और फोकस अपनी तैयारी पे नहीं लगा लोगे, तब तक जो है आप लोग आगे पीछे के चक्कर में फंसे रहोगे। आपका ब्रेन जो है डीफोकस्ड रहेगा और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मेरा शैली जी की तरफ से मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए, थोड़ा आगे का स्ट्रेस अभी मत लीजिए, टाइम है हमारे पास, अभी कोई टीजीटी पीजीटी पेपर की किसी की डेट नहीं आई है, हम अभी आराम से अपनी अच्छे से सारी तैयारी रखते हैं। जैसे ही डेट आएगी, ठीक है, फटाफट से और अच्छे से तैयारी शुरू कर लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मेथड से, ज़्यादा पेपर ओरिएंटेड विद प्रैक्टिस सेशंस डेली इन द यूट्यूब क्लासेस, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये खत्म कब होगी यार पोएम, कब से बोल मुझे लग रहा है मैं कब से बोल समझाई जा रही हूँ, पोएम ही नहीं खत्म हो रही है। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thy scorner of the ground. बहुत important lines, again very important stanza this is. वो कह रहा है तुम्हारा जो म्यूजिक है ना, तुम्हारी जो ये साउंड है, वो अब तक की मैंने सुनी किसी भी साउंड, किसी भी म्यूजिक से ज़्यादा खूबसूरत है। तुमने जो ट्रेजर्स, तुमने जो फिलोसॉफिकल इंसाइट्स अपने सॉन्ग्स के थ्रू मेरे अंदर इवोक कर दी हैं, वो मैसेजेस, वो लर्निंग्स मुझे किसी बुक से भी नहीं मिल सकती। तुम जो आर्ट इस वक्त क्रिएट कर रही हो अपने इस सॉन्ग, अपने इस म्यूज़िक से, वो तो मुझे किसी पोएट के म्यूज़िक में भी नहीं मिल सकता। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर इन पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट आवर, सिंसियर लाफ्टर विद सम इन, बिल्कुल हाँ जी। लास्ट स्टैंजा है पोएम का, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स, आई थिंक ये भी आया होगा कहीं ना कहीं। ये आया हुआ है क्या? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है मैंने शायद देखा हुआ है। इज इट ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हाय, हेलो, गुड इवनिंग। आप बहुत ही लेट हैं द्विवेदी जी, वेरी लेट। वी आर जस्ट अबाउट टू वाइंड अप विद द क्लास, वेरी लेट। हाँ जी, टीच मी हैव द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, ये बताना ये भी आया हुआ है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, कि अगर तुम मुझे अपना सीक्रेट जो है बता दोगी, तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हारे जो है मन में क्या चल रहा है, तुम कहाँ से अपने अंदर इतने ब्यूटीफुल ग्लोरियस मेलोडियस सॉन्ग का सोर्स फाइंड कर पा रही हो, तुम मेरे लिप्स से भी ऐसी हारमोनियस मैडनेस प्रोड्यूस होगी। हारमोनियस मैडनेस अगेन, ठीक है, अगेन दिस इज पोइट्री, दिस इज आर्ट, this is vision for the future of the better, of a better society. So harmonious madness here means that the world should listen then as I am listening now. अगर तुम लास्ट में आता था, देखो शेली बीइंग शेली, ठीक है, इंसान अपनी फितरत से तो इशांक, आप एक काम कर सकते हैं, आप क्लास चेंज कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। And I would request to you all again in my class, not to make, not just in my class but in any teacher's class, any teacher that is there on online platform, screen के पीछे बैठ के किसी और teacher की physical appearance पे comment करना, you must not do it, good or bad, ठीक है। This is not the decorum of the class, I won't entertain it. I request you to either leave the class or I'll put you in time out, और मेरी class में आगे से कोई ऐसा करेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, The world should listen. अब शेली बीइंग शेली, पीबी शेली घूम फिर के अपनी वाली पे देखो आ जाएंगे कि वो घूम फिर के प्रोफेसी, रेवोल्यूशन, रेफॉर्मेशन, वो सारी थीम्स उनकी घूम फिर के आ ही जाएंगी। तो वो बोलेंगे द वर्ल्ड, अगर तुम मुझे अपना सीक्रेट बता दो तो मैं भी तुमसे लर्न करके वही चीज़ें अडॉप्ट कर पाऊंगा जो आज तुम्हें पता है। फिर जैसे आज मैं स्पेल बाउंड होकर तुम्हें सुन रहा हूँ, दुनिया भी मुझे सुनेगी। क्यों? क्योंकि मैं उनको मैसेज ऑफ रेवोल्यूशन दूंगा, मैं उनको मंत्रा फॉर चेंज दूंगा, एंड वी विल बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड लाइक दैट। एंड ऑन दैट नोट द पोएम एंड्स। सो गाइस, ओके, हियर द पोएम एंड्स। बताइए कैसी लगी आप लोगों को? मज़ा आया आज की पोएम में? बढ़िया लगी क्लास? हाँ जी कोई बात नहीं, चलो ये तो हो गई गाइस अपनी आज की क्लास खत्म। पहले बताओ मुझे पोएम कैसी लगी? मजा आया सबको? बढ़िया लगा? चलिए, हमारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे काफ़ी इंक्वायरी कर रहे थे, देखिए कल से मेरा DSSSB और UGC नेट का नया बैच शुरू हो चुका है शाम को 6 बजे का। बहुत इंक्वायरीज आई रही थी इसके लिए। कल तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दी थी, आज की क्लास में मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, ठीक है। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से जो है हम अपनी तैयारी अपने उस वाले बैच की आज शुरू कर देंगे। शाम को 6 बजे से मेरी क्लासेस आज से शुरू होंगी। कल भी थी, कल इंट्रोडक्शन थी, आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन बैच हमने उसका लिमिटेड ही रखा है, उसकी सीट्स जो हैं किसी भी और TGT PGT से लिमिटेड ही रखी हैं, क्योंकि उसमें सिलेबस की जो डेप्थ है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्राउड होने से वहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, अभी कुछ सीट्स रिमेनिंग है हमारे पास, तो अगर आप लोग एनरोल करने का सोच रहे थे, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट टाइम। उसका रीज़न ये है कि हमारी अड्डा पे अभी मंथ एंड सेल चल रही है, तो आप जानते हैं आज 30 है, कल 31 है, महीना खत्म होने वाला है। तो हमने कल शाम को आपके लिए ये मंथ एंड सेल लॉन्च कर दी थी। तो जितने भी मेरे डियर चैम्स यूजीसी नेट के बैच के लिए सीरियस थे, काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज भी आ रही थी, एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को DSSSB के बैच के लिए भी एनरोल करना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था DSSSB के बैच की अप्रोच आप किसी भी और TGT PGT के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसकी तैयारी बिल्कुल अलग है, नेट लेवल की तैयारी है उसकी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपको वो तैयारी करनी है और एनरोल करने का सोच रहे थे, देखो ये राइट टाइम है, क्योंकि हमारे सारे बैचेस में आप देखोगे इस वक्त मैं एक बार DSSSB देखती हूँ, हाँ सारे बैचेस में डबल वैलिडिटी स्कीम चल रही है। आज रात तक एनरोल कर लो, चाहे आप पहले तो जनरली आपको याद होगा महापैक में डबल वैलिडिटीज आती थी, है ना, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डबल वैलिडिटी इस वक्त हमारे सारे कोर्सेज में लागू हो चुकी है। ये मेरा इंग्लिश का बैच है, तो आपको पता ही है वैसे तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, लेकिन इस वक्त इसकी वैलिडिटी डबल है, आपको मिलेगी आज रात तक एनरोल करने में 6 + 6 मंथ्स की। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने बाय नाउ पे जाके मेरे कोड को लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, कोड वाला आप लोगों को याद ही है Y542, तो इस कोड से एनरोल कर लेना गाइस। 23,000 रुपये में, देखो वैसे 23,000 रुपये में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलती थी, अब 2300 रुपये में आपको वैसे 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती थी, अब आपको 2300 रुपये में 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी अगर आज रात तक एनरोल कर लेते हो तो। मंथली एंड सेल है, और कई लोग मुझे कह रहे थे मैम नेट वाले या DSSSB के बैच में सितंबर में अप्लाई कर लेंगे, अक्टूबर में अप्लाई कर लेंगे। देखो मैं बताना चाहती हूँ, यूपी में हमने बैक टू बैक 2-3 बार रजिस्ट्रेशंस ओपन रखी, हमारे 2 बैचेस बने, और तीसरा बैच भी उसमें कम स्टूडेंट्स थे, उनको हमने वापस सेकेंड में मर्ज कर दिया था। लेकिन विद DSSSB दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। DSSSB में कोई दूसरा तीसरा बैच बन जाता, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं अब दिन में और क्लासेस नहीं न्यू क्रिएट नहीं कर पाऊंगी, आई एम ऑलरेडी फुल विद माई शेड्यूल ऑफ क्लासेस फॉर अ डे। सो अब जो बैच है यही है, चाहे वो UGC नेट का है चाहे वो DSSSB का है, एक ही बैच है। तो DSSSB तो आपका इसी से निकलेगा, नेट का अगला बैच अगले साल जनवरी में आएगा, तो मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि नेट में भी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, आपको यहाँ पे भी डबल वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपको महापैक लेना है तो भी ये राइट अपॉर्चुनिटी है एनरोल करने का, ठीक है, और अगर आप नॉर्मल कोर्स लेना चाहते हो तो भी। मैं UGC का भी आपको दिखा देती हूँ, देखो UGC में भी हमारी UGC वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे खुद रात को 11 बजे पता चला, न्यूली लॉन्च कोर्सेज हैं, इसमें हम ऑलरेडी आपको 1 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं, पर अड्डा वाले ने सोचा चलो सबको ही खुश कर देते हैं, मंथ एंड सेल मेगा सेल होती है, तो इसमें आपको हमारे कोर्सेज में देखो डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो ये अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करनी है, सिर्फ 5,000 रुपये में वो कॉम्बो बैच को ले सकता है, और जिसको सिर्फ इंग्लिश पेपर 2 की तैयारी करनी है वो मेरा इंडिविजुअल कोर्स बाय कर सकता है, ये भी आपको डबल वैलिडिटी का मिलेगा सिर्फ 4,000 रुपये में, ठीक है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, फटाफट से जो है इसमें एनरोल कर लीजिए और आज रात तक एनरोल कर लेना, जितने भी लोग अभी तक सोच रहे थे और मत सोचिएगा, और दैट्स इट। चलो मिलते हैं फिर कल, नेट की क्लास है अभी 6 बजे, मुझे मिलेगा जो जो वहाँ मिलेगा मुझे DSSSB की भी, और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से यहीं सेम टाइम सेम प्लेस। आई एम प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी, आई विल सी यू गाइस लेटर, टेक केयर, बाय बाय।